हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और आप सभी का स्वागत है कुकरी किचन में। दोस्तों, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो आज मैं आपके लिए सर्दियों में बनने वाला टेस्टी मिक्स वेजिटेबल सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो भी ये सूप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। मिक्स वेजिटेबल सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला है 2 बड़े चम्मच तेल, और इसके बाद डाल रहे हैं 1 तेज पत्ता और 1 दालचीनी की स्टिक और 3 लौंग। सर्दियों में ये खड़े मसाले हमें सर्दी से बचाते हैं और ये सूप को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। तो इसे हम 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लेंगे। इसके बाद डालेंगे 2 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, और लहसुन को भी हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे। हमें लहसुन को ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा पकाना है। और इसके बाद डालेंगे 2 बड़े चम्मच प्याज और इसे भी हम पका लेंगे। ये मैंने करीब आधा प्याज ही लिया है क्योंकि मैं इसमें स्प्रिंग अनियन भी डालूंगी, तो मैंने इसीलिए आधा प्याज इसका लिया है। और इसके बाद डालेंगे 1/2 कप स्प्रिंग अनियन। ये मैंने 1 स्प्रिंग अनियन में से जो नीचे वाला हिस्सा होता है प्याज का हिस्सा, उसे काट लिया है और जो ग्रीन पार्ट था उसे अलग कर दिया है। इसे भी हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप मटर। ये मैंने फ्रेश मटर लिए हैं, आप फ्रोजन भी ले सकते हैं। इसे हम 1 मिनट तक मैंने पका लिया है। और अब मैंने डाला है 1/2 कप स्वीट कॉर्न, 8 से 10 बीन्स डाली हैं, इसे भी बारीक काट लिया है, और 1 गाजर डाली है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। आप चाहें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, आप ब्रोकली डाल सकते हैं, आप कॉलीफ्लावर डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। इसे हमने 5 मिनट तक के लिए पकाना है। बीच में इस तरह से स्टर भी करते रहिए ताकि सब्जियाँ अच्छे से कुक हो जाएँ। सब्जियाँ अब थोड़ी सी पक गई हैं और अब इसमें डालेंगे 1 कप स्लाइस की हुई पत्ता गोभी, इसे मैंने थोड़ा लंबा लंबा काटा है, और फिर से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे। बस थोड़ा सा हमें कैबेज को सॉफ्ट करना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 5 कप पानी, जो इससे हम चाय पीते हैं वो वाला कप है ये, तो नाप से आप 5 कप पानी डाल दीजिए। फ्रेंड्स, इस सूप में आप 4 लोगों के लिए सूप बना सकते हैं, तो 5 कप पानी मैंने डाल दिया है और इसे अब मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच डाल देंगे नमक, आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। काली मिर्च भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते होंगे तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और कम पसंद करते हैं तो थोड़ा इसे कम डाल दीजिए। अब इसे हम हाई फ्लेम पर पका लेंगे, और अब इसमें 1 उबाला आ गया है। गैस का फ्लेम हम अब धीमा कर देंगे और जो हमने खड़े मसाले डाले थे तेजपत्ता, दालचीनी और लौंग, उसे निकाल लेंगे। अब मैंने 1 कटोरी में डाला है 1/2 कप पानी और इसमें मैंने डाल दिया है 4 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लावर। इससे हमारा जो सूप है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब इसे सूप को स्टर करते हुए हम थोड़ा थोड़ा करके सारा कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और अच्छे से हम सूप को उबाल लेंगे। तो 2 मिनट के लिए इसे हमने हाई फ्लेम पे पका लेना है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी हमारी बन गई है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़े से हरा प्याज और डालेंगे 2 छोटी चम्मच विनेगर और 1 छोटी चम्मच चिली सॉस। अगर आप विनेगर या चिली सॉस पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और आप विनेगर की जगह इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा परफेक्ट मिक्स वेजिटेबल सूप एकदम बनके तैयार है। सर्दियों के लिए ये सूप बहुत ही बढ़िया होता है और घर का बना हुआ है तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएँ। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।